डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज उसी से आगे एक स्टेप बढ़ रहे हैं, जहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ जब मैं डिस्कस करूँगा, और वो प्रॉपर्टीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो पैटर्न्स होंगे डायग्राम्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं एक्चुअल में स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं या कर्व हैं, जिसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था स्टूडेंट्स, माइकल फैराडे ने। तो उन्होंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन बताया था। उन्होंने कैसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिखेगा। एक चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एक क्यू चार्ज है। तो उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाया था, एरो के फॉर्म में दिखाया था, सॉरी एरोस के फॉर्म में दिखाया था। तो एरो इस तरीके से उन्होंने बनाए थे, इस तरीके से वो एरो बनाते जाते थे स्टूडेंट्स। तो हर डायरेक्शन में उन्होंने एरो बनाए थे इस तरीके से। फिर एक एरो यहाँ पे इसी तरीके से, और छोटा एरो, फिर एक एरो इस तरीके से, और छोटा एरो। तो इस तरीके से उनके हर डायरेक्शन में एरो होते हैं, ये इस तरीके से स्टूडेंट्स। ये देखें जो मैं एरोज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उनका इस तरीके से उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करा था। तो पहला वाला जो एरो होता था वो बड़ा होता था, फिर उसके नेक्स्ट उससे छोटा हो जाता था, फिर नेक्स्ट और छोटा होता जाता था। तो ये क्या बताता था स्टूडेंट्स? कि एरो की लेंथ ज़्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एरो की लेंथ बड़ी, मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पे एरो की लेंथ छोटी वहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, और जो एरो की डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से उन्होंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन दिया था माइकल फैराडे ने। तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्ट्रेट, इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ होती हैं, जिसके अलोंग आइसोलेटेड, मतलब अकेला एक फ्री पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है स्टूडेंट्स। अकेला फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे क्यू रखा है, अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट रख दूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्यू नॉट रखा, तो आप समझ सकते हो क्यू को क्यू नॉट क्या करेगा, रिपेल करेगा, और क्यू को क्यू नॉट रिपेल करेगा तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पे बड़ा एरो, मतलब यहाँ पे उसका जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, फिर वो यहाँ पे पहुँचा होगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो गई होगी, फिर स्ट्रेंथ कम हो गई होगी। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ हैं, जिसके अलोंग एक आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करता। अब यही आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ रख दूँ, तो इसका मूवमेंट मुझे इस डायरेक्शन में दिखने लगेगा जहाँ मैंने एरोज बनाए। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ स्टूडेंट्स, तो ये मुझे मूवमेंट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से चार्ज के चारों तरफ उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की पैटर्न ड्रॉ करा था, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था स्टूडेंट। अब उन्होंने क्या करा, फिर इन सारी स्ट्रेट लाइन को उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब ये जो एरोज बनाए थे, मतलब पहले बड़ा एरो था, फिर उससे छोटा, तो उन्होंने फिर इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनाया कि एक चार्ज लिया स्टूडेंट्स, और ये चार्ज लिया, और फिर उन्होंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी, एक सिंगल एरो ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब उन्होंने बड़े छोटे एरो नहीं बनाए, सिंगल एरो ड्रॉ करे, जो हम अब यूज़ करते हैं आज के टाइम में, अब हम इसी को ड्रॉ करते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से एरो बनाना स्टार्ट करे स्टूडेंट्स, या आप एरो देख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एरो बनाना स्टार्ट कर दिए थे स्टूडेंट्स। अब इस एरो से मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि डायरेक्शन यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव टेस्ट रख दूँ क्यू नॉट, तो वो इधर जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा क्यू नॉट, तो वो यहाँ पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट रख दूंगा स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे जाएगा। अगर मैं क्यू नॉट यहाँ रख दूंगा तो वो यहाँ जाएगा। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो रही थी। अब इम्पॉर्टेंट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी है। तो डायरेक्शन तो समझ में आ रही है एरो से, अब मैग्नीट्यूड क्या इसमें पता चल सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल इसमें मैग्नीट्यूड पता चल सकता है। लाइंस जितनी क्लोज होंगी, अब देखिए यहाँ पे लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पे लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पे लाइंस दूर हैं, यहाँ पे लाइंस और दूर हैं, यहाँ पे लाइंस और दूर हैं। तो लाइंस जितनी क्लोज होंगी,
हमेशा वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चला था कि लाइंस जितनी क्लोज, आप देख सकते हैं इस रीजन में लाइंस बहुत क्लोज हैं, फिर थोड़ी सी लाइंस दूर हुई हैं इस रीजन में, फिर आप देख सकते हैं इस रीजन में और दूर हो गई हैं लाइंस, फिर इस रीजन में और लाइंस दूर हो गई हैं। तो लाइंस जितनी दूर होती चली जाएंगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कम हो जाएगी, और लाइंस जितनी क्लोज रहेगी वहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा रहेगी। तो इस पैटर्न से हमें इंटेंसिटी की इन्फॉर्मेशन भी मिलने लग गई और डायरेक्शन भी मिलने लगी। तो इसी पैटर्न को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अडॉप्ट करते हैं और बनाना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान रखिएगा एक चीज़, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा होगा कि ई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर के। तो अब इस मैथमेटिकल रिलेशन से भी देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आर होगा, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ई की वैल्यू उतनी कम होगी। मतलब मैं चार्ज से जितना दूर जाऊंगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती चली जाएगी, और चार्ज के मैं जितना क्लोज रहूंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, चार्ज से जितना दूर मतलब आर ज़्यादा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, अगर चार्ज के मैं जितना क्लोज रहूंगा तो आर कम रहेगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा रहेगी। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली प्रॉपर्टी बोलता है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। लाइन ऑफ फोर्स ये मत सोचना कि फोर्स की लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स फैराडे ने ही बोला था। तो लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही चीज़ होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूजली स्टार्ट और डाइवर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड और कन्वर्ज ऑन नेगेटिव चार्ज। सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ क्यू, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ, ये प्लस, अरे प्लस चार्ज है। अब आप कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो इससे रिपेल ही होगा, वो रिपेल इस डायरेक्शन में होगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी और दूर जाएंगी। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं स्टार्ट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से होती हैं और डाइवर्ज होती जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँगा तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये लाइन सारी यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी या फिर एंड हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज पे आके, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होती हैं और डाइवर्ज होती चली जाएंगी और ये इन्फिनिटी तक जाएंगी स्टूडेंट्स। सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, अगर सिर्फ मैं बात करूँ सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं ये वाला चार्ज हटा दूँ यहाँ से नेगेटिव, तो सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो ये इन्फिनिटी तक जाती हैं स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस होती हैं, ब्रेक नहीं होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस रहेंगी, कहीं पर ब्रेक नहीं होंगी। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी और नेगेटिव पर जाके एंड हो जाएंगी, मतलब कंटिन्यूस होती हैं स्पेस में, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होंगी। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी में दो डायग्राम्स आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है और ये नेगेटिव चार्ज के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पे टर्मिनेट होंगी एंड होंगी, नेगेटिव चार्ज होंगी। सेकेंड पॉइंट बोलता है स्टूडेंट्स की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं जिस चार्ज से निकल रही हैं उसके मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए Q चार्ज है तो इससे मान लीजिए कितनी फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, दो निकल रही हैं इसमें, तो अगर 2q चार्ज होगा तो इससे कितनी निकलेंगी, जस्ट डबल निकलेंगी, मतलब कितनी निकलेंगी स्टूडेंट्स, चार निकलेंगी, यही इसका मतलब है। मतलब चार्ज पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिपेंड करती हैं। अगर चार्ज क्यू है तो दो लाइंस अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 2q में जस्ट उसके डबल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए चार लाइन निकालता है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर चार लाइन निकालता तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितनी हो जाती टोटल,
8-9 हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। ये डायग्राम जो दिया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को समझिए थोड़ा सा। आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम को मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक ए पे चार्ज और एक बी पे चार्ज। अच्छा, आप इसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि यहाँ पे फील्ड लाइंस निकलती हुई दिख रही हैं आपको, मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, और बी पे आती हुई दिख रही है मतलब ये नेगेटिव होगा। अब आप देख सकते हैं कि ए से आप देखिए कितनी लाइन्स निकल रही हैं, अगर मैं काउंट करूँ तो 1, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ये एट, ये नाइन्थ है, ये वाली नाइन है, ये टेन है, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आप देख रहे हैं क्यू ए से 16 लाइन्स निकल रही हैं, जबकि आप देखिए क्यू बी पे कितनी जा रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ 8 ही जा रही हैं। तो आई थिंक आपको कुछ चीज़ क्लियर हो गई, वी कैन से दैट जो क्यू ए है वो क्या होगा, क्यू बी से बड़ा होगा, और पॉजिटिव से निकल के कहाँ पे ये टर्मिनेट हो गई है, नेगेटिव पे हुई है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि चार्ज ए इज़ पॉजिटिव वाइल बी इज़ नेगेटिव एंड क्यू ए इज़ ग्रेटर देन क्यू बी। तो कई बार डायग्राम इस तरीके से दे देंगे और आपसे पूछते हैं कि रिलेशन बताओ क्यू ए और क्यू बी में कौन है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो ये आपसे बनना चाहिए स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग मूव करेंगे स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी जो दी हुई है, दैट इज लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज इफ दे क्रॉस देन इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं इसकी बात करूँ स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना दी है। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इनका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देख रहे हैं, एक अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो एक टेंजेंट ये होगी और एक टेंजेंट स्टूडेंट ये होगी, तो यहाँ पे दो टेंजेंट हो जाएंगी। तो एक पॉइंट पे रह के क्या कोई चीज़ दो जगह जा सकती है, एक ही डायरेक्शन एक ही टाइम पे दो जगह जाना पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पे दो जगह जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब दो डायरेक्शन में जाना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होंगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप, क्यों? क्योंकि हमने देखा ये प्लस क्यू से स्टार्ट होती हैं और माइनस क्यू पर जाके ख़त्म हो जाती हैं, ये वापस माइनस से प्लस पे नहीं जाती हैं, ये प्लस से माइनस जाएंगी फिर प्लस से माइनस जाएंगी, माइनस से प्लस नहीं जाती हैं, तो इसलिए कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है, मतलब जिससे क्लोज चीज़ तो तब बनेगी ना स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना घूम के यहीं पर वापस आ जाऊँगा, पर आप देख रहे हो यहाँ प्लस से स्टार्ट होती माइनस पे, पर माइनस से प्लस पे कभी नहीं जा पा रही है, तो क्लोज लूप कभी भी ये फॉर्म नहीं करती हैं। तो यहाँ पे लिखा है एज अ लाइन कैन नेवर स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम चार्ज। ये जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो सेम चार्ज पे से स्टार्ट होगी, सेम चार्ज पे एंड नहीं होती है, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ पे कि पहला फिगर आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और आप ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे दिख रही है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्होंने, अब आप इसमें एक चीज़ नोट करेंगे, अगर मैं प्लस वाले की लाइन काउंट करूँ, इलेक्ट्रिक लाइन में काउंट करता हूँ, देखता हूँ सेम है कि नहीं है माइनस की, तो आप लाइन काउंट करेंगे तो प्लस की जो लाइन होगी स्टूडेंट्स, प्लस वाले की लाइन, पहली लाइन ये होगी, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, सात लाइन यहाँ पे हैं, इसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लाइन्स निकल रही हैं स्टूडेंट्स, 18 लाइन्स आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए माइनस पे भी शायद 18 ही आ रही होंगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब प्लस से भी 18 निकल रही हैं और माइनस पे भी 18 आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर दो चार्जेस होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होती है लॉन्गिट्यूडनली, आप समझते हैं ऐसे, लॉन्गिट्यूडनली ये कहलाता है स्टूडेंट।
तो उन्होंने बोला कि अगर लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये मान लो ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग को मैं दोनों एंड से दबाऊंगा तो ये थोड़ा सा ऐसी होंगी, मैं और दबाऊंगा तो ये थोड़ा सा ऐसी हो जाएंगी, मैं और दबाऊंगा तो ये इस टाइप से हो जाएंगी। आप इस चीज़ समझ पा रहे हो कि अगर मैं दो चार्जेस को मान लो, आप अपने दो हाथ रखो, उस दो हाथ के बीच में आप ऐसी कोई फ्लेक्सिबल चीज़ रख लो, तो आप जब उसको प्रेस करो, जैसे स्प्रिंग ही रख सकते हैं, अब जब अपने आप दोनों हाथ को आप पास लेके आओगे तो आपको उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से, पहले वो इस तरीके से हुई, फिर आप देखो वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा उसका, इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो हमने क्या बोला कि जब भी दो अपोजिट चार्जेस होंगे, जब भी दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब हम उसको खींच लेते हैं तो वो पास आना चाहती है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्या होती हैं, अपोजिट चार्जेस के लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं दो सिमिलर चार्ज ले लूँ, अब आप सेकेंड डायग्राम देखेंगे इस डायग्राम में, दो सिमिलर चार्जेस हैं, दो सिमिलर चार्जेस की मैं बात करूँगा तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये एक दूसरे पे फोर्स है। अब मान लो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये लाइन ऐसे जा रही होती और ये लाइन ऐसे जा रही होती, तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाती तो थर्ड पॉइंट तो होल्ड ही नहीं करता। जो हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ा था, अभी यहाँ पे मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एक पॉजिटिव चार्ज आपका ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, और ये अगर इस तरीके से यहाँ पे लाइन निकल रही है और इस तरीके से यहाँ पे निकल रही है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करें, तो ये दोनों इंटरसेक्ट ना करके ये अपने पाथ को कुछ इस तरीके से कर लेती है, तो ये इस तरीके से इनका पाथ हो जाता है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और एक दूसरे पे इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करती हैं कि ये सीधे हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं इधर आने के बाद। तो आप देख रहे हैं कि लाइंस यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगी, तो ये बताता है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं स्टूडेंट्स, और लेटरली, क्योंकि इस डायरेक्शन में हो रहा है इसको हम लेटरली बोलते हैं और इस डायरेक्शन को हम लॉन्गिट्यूडनली बोलते हैं। स्टूडेंट्स एक बात समझिए, यहाँ इस वाले फिगर के लिए ये लॉन्गिट्यूडनली वर्ड ऐसा है और इस वाले फिगर के लिए ये लेटरली हो रहा है, तो इधर से डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये लाइंस इस तरीके से निकल जाएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो लाइन ऑफ फोर्स की टेंडेंसी आई थिंक क्लियर हो गई हुई आपको कि अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, तो लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी लॉन्गिट्यूडनली, और अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो लाइन ऑफ फोर्स प्रेशर अप्लाई करेंगे लेटरली और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, सिक्स प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सिक्स प्रॉपर्टी में एक फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए आप यहाँ पे चार फिगर्स दिख रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि चार फिगर्स में आप देखिए कि चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर मैं पहले फिगर की बात करूँगा, पहले फिगर की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि इन तीन के बीच में गैप सिमिलर है पर इसके बीच में गैप ज़्यादा है फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट लाइन ऊपर से जो फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन है उनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जब जब उनके बीच में गैप ज़्यादा नहीं, गैप थोड़ा सा अलग अलग होगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर दूसरे फिगर में आप देखिए गैप दो चारों लाइन्स के बीच में गैप प्रॉपरली सही है, मतलब इक्वल गैप है, पर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है। फोर्थ फिगर ऐसा है डायरेक्शन कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब ये पैटर्न कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस द फील्ड इज यूनिफॉर्म, एंड इफ लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट और स्ट्रेट लाइन और बोथ द फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, ये नॉन यूनिफॉर्म, एकमात्र ये वाला केस है जो यूनिफॉर्म का है। तो यूनिफॉर्म तभी होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो भी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तभी रहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेवेंथ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसके प्रूफ हम लोग
जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो इसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा। इसमें ये बोला गया है सेवेंथ प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं स्टूडेंट्स, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो कंडक्टर पे नॉर्मल होती हैं। कंडक्टर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने जो स्टार्टिंग का वीडियो बनाया था वहाँ पे कंडक्टर का डिस्कस भी किया था। अब समझ सकते हैं यहाँ पे ये कंडक्टर है। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मैंने कंडक्टर रखा, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इस कंडक्टर के यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव के पास कौन से रहेंगे, नेगेटिव। अब इधर से जो फील्ड लाइंस निकलेगी जो कंडक्टर तक, मतलब कंडक्टर पे भी परपेंडिकुलर नॉर्मल रहेगी और ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, ये भी नॉर्मल ही निकल रही है, और ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आके ये इधर हो जाएगी, इधर से इस तरीके से आके इस टाइप से, मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट जो होंगी नॉर्मली होंगी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड, एंड मतलब ये आप देखिए यहाँ पे एंड हो गई। अब ये आगे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इनसाइड द कंडक्टर मतलब कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर अगर बात करूँगा तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जीरो होंगे स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो यहाँ पे ही लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अंदर ड्रॉ नहीं करी, इसे मैं एंड कर दिए, या फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से, पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं होती है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए आप लोग कि क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या सीखा है स्टूडेंट्स, अगर ये कंडक्टर है, आप ये देखिए यहाँ पे कंडक्टर लेके चल रहा हूँ मैं, ये कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर लिया मैंने। अब कंडक्टर में मैंने क्या करा है, इसमें मैंने चार्जेस देना स्टार्ट किया। अब मान लो पॉजिटिव चार्ज ही मैं दे रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं रुकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं रहते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। अभी सरफेस पे क्यों आते हैं, इसका लॉजिक है स्टूडेंट। अब आप मान लीजिए कि आप पॉजिटिव चार्ज दे के जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, अब वो पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करके वो कहाँ पे आना चाहते हैं, लोअर एनर्जी में आना चाहते हैं। लोअर एनर्जी मतलब आप समझ रहे होंगे, आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे एनर्जी का, जहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बताऊँगा आपको, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, मतलब यू जो होता है वो आर पे डिपेंड करता है, यू जो होता है आर पे डिपेंड करता है, मतलब हमेशा कोई भी चीज़ अपनी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहती है। ये मैंने शायद आपको बहुत बार बताया भी होगा, आपको ध्यान होगा जो मेरे स्टूडेंट्स उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। अगर मैं एक पेन की बात करूं तो अगर मैं पेन को एक हाइट पे लेता हूं और मैं अपना हाथ हटा दूंगा तो पेन कहाँ आ जाता है, ग्राउंड पे आ जाता है, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। तो कोई भी चीज़ हमेशा कहाँ रहना चाहती है, लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर गए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा तो यू सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे ही मैं इनको अंदर करता हूँ तो ये सारे बाहर निकल आते हैं, मतलब ये सरफेस पे जाते हैं, मतलब ये सारे कहाँ पे जाएंगे, सरफेस पे, और ये मैक्सिमम होगा। अब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर हुआ। अब आर मैक्सिमम हो चुका है, अब आर आप समझ चुके हैं मैक्सिमम हो गया होगा, तो ये अपने आप मिनिमम हो जाएगा, तो वो कहाँ पर रह जाएंगे, सारे के सारे सरफेस पर जाएंगे। अब सारे चार्जेस अगर सरफेस पे हैं तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट, जीरो ही तो होगी। तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये CBSE में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। रीज़न आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चार्ज हमेशा अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, पोटेंशियल एनर्जी में, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये चार्जेस कंडक्टर के अंदर नहीं होते हैं, कहाँ पे आते हैं, कंडक्टर की सरफेस पे, और कंडक्टर की सरफेस पे इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जीरो हो जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो अब सारे चार्जेस आप देख रहे हैं सरफेस पे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी
अब सारे चार्ज आप देख लिए सरफेस पे आ चुके हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं या तो एंड होंगी, अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता तो वो नेगेटिव चार्ज सारे सरफेस पर जाते, तो या तो वो एंड होंगी या फिर स्टार्ट होंगी, और वो भी कैसे होंगी, नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। तो ये तीन फिगर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, तीनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आई थिंक आपको क्लियर हो जाएंगे कि इनमें पैटर्न्स क्या बना हुआ है। पहला फिगर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से है, पॉजिटिव चार्ज और एक कंडक्टर हैगा, तो पॉजिटिव चार्ज सब देख रहे हैं नेगेटिव तक जा रहा है। दूसरा फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दूसरा फिगर आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि दूसरे फिगर में इन लोगों ने क्या करा हुआ है, एक पॉजिटिव लेके रखा है कंडक्टर की सरफेस पर, नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं ये दो कंडक्टर लग रहे हैं, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से आपको लाइंस दिख रही होंगी, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये आपको लाइंस दिख रही होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है और नेगेटिव पे एंड हुई है, और सब परपेंडिकुलर आप देखिए ये एंगल सब 90 डिग्री बन रहे हैं, ये सब एंगल 90 डिग्री है, ये सब एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री है, आपको लग नहीं रहा ये 90 डिग्री ही एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि एंड से लिया हुआ है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस वाले में देखूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई चार्ज, इस रीजन में देखो कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो ई ज़ीरो है। अब ई ज़ीरो है तो बचा पॉजिटिव, यहाँ तो ये पॉजिटिव से देख रहे हैं कि ये रेडियली आउटवर्ड चली गई है सारी, ये पॉजिटिव है तो ये बाहर चली गई सारी की सारी, ये इस टाइप से सब परपेंडिकुलर ऐसे बाहर चली गई। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पे टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने तीन डायग्राम्स यहाँ पे लिए थे, तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा। एट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ इन अ रीजन ऑफ स्पेस देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड देर विल नो लाइन ऑफ फोर्स, मतलब स्पेस में अगर स्पेस में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब वहाँ पे कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला है दिस इज़ वाई इनसाइड अ कंडक्टर एट अ और न्यूट्रल पॉइंट, मतलब कंडक्टर के अंदर और न्यूट्रल पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, तो कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। ये मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर करा हुआ है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो उस वजह से वहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती है। तो स्पेस पे जहाँ कहीं पे भी ई ज़ीरो होगा, स्पेस में जहाँ कहीं पे भी ई ज़ीरो होगा वहाँ पे कभी भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं होंगी या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होंगी, ये एट पॉइंट है। नाइन्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है, नाइन में नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, पर यूनिट नॉर्मल एरिया एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट। यहाँ से मान लीजिए इस टाइप से लाइंस निकल रही हैं, इस टाइप से बहुत सारी लाइंस ऐसे निकल रही हैं, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इतने एक एरिया ले लेता हूँ ये वाला एरिया, तो इसी एरिया को जब मैं आगे लेके जाऊँगा तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस कम होती जा रही हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, मतलब इस एरिया से परपेंडिकुलरली जो लाइंस निकलेंगी वो आपको बताता है स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड बताता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी निकल रही है, एक दो तीन चार पाँच निकल रही है, पहली वाली से पाँच निकल रही है और दूसरी वाली से आप देख रहे हो सिर्फ तीन ही निकल रही हैं। तो मतलब जहाँ पे क्राउडिंग, अब देखिए क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो आप देख रहे हैं कि इधर क्राउड ज़्यादा है, इस वाले रीजन में क्राउड ज़्यादा है, इधर क्राउड कम है, तो जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ पे क्राउड कम होगा वहाँ पे जो फील्ड होगी वो वीक होगी। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट जो है 10, इसमें एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा दिया हुआ है, पेपर में कभी लिखने को आएगा तो ये आंसर लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, मतलब अगर ये कर्व है और इस कर्व पे अगर मैं किसी पॉइंट पे, ये मान लीजिए एक कर्व है, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मैं इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ तो ये टेंजेंट मुझे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। अगर ये कर्व इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, ये कर्व अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगा, तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी,
और सिंपल सा ही रीज़न दिया हुआ है वहाँ पे एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी है स्टूडेंट्स, ये 10 की 10 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको